कि आज इस इलाके में तीन दिन पहले एक होलनाक वाकया हुआ है और ये कोई पहला वाकया नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो चार पाँच साल गुजर गए इसमें 12-13 जवान छोटे छोटे बच्चे जो 7 साल 8 साल नहायत ही आखिरी मेरे ख्याल में 11 या 12 साल का एक बच्चा था, बाकी सारे छोटे बच्चे थे। तो ये पूल के मानन बच्चे होते हैं और एक बच्चे को बंदा 10 साल 20 साल तक बुला नहीं सकता क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा होता है। लेकिन हादसा उन लोगों के साथ जिसके साथ होते हैं उन लोगों की फिक्र होती है, उन लोगों की रोने धोने की आवाज़ आती है। हुकामे बाला या दूसरे लोग जो इस मसले से अपने आप को दूर रखते हैं उन लोगों ज़रा भी परवाह नहीं होता कि यार ये भी किसी गरीब का कोई बच्चा था और इन लोगों पे क्या गुजर रही होगी। वैसे आ जाते हैं मीडिया वाले भी आ जाते हैं, कोई दूसरे भाई तीसरे भाई आ भी जाते, कोई एक दो तस्वीर लगा के रस्मी कार्रवाई करके चले जाते हैं और इस मसले को भूल जाते हैं। पिछले साल मेरे ख्याल में इन्हीं दिनों में एक बच्चे का वाकया हुआ था, वो भी कोई 11 साल का बच्चा था या 8 साल का था, अभी तक उसका पता नहीं चला और उसके घर वाले अभी तक परेशान हैं और इस हादसे को अभी तक बोले नहीं, बल्कि हम भी नहीं बोले। यहाँ के इलाके के जितने लोग हैं सब अफसरदा है और ये जो 3 दिन पहले एक वाकया हुआ है तलाश तो जारी है लेकिन वो बेसुध। हम ये हुकामे बाला से, हुकूमत से, अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि अपील करते हैं कि इस मसले का पूरी हल निकाला जाए। डीएमसी मलिर के जो चेयरमैन कल आए थे वो ये कह रहे कि मेरे पास इतना फंड नहीं है कि यहाँ से लेकर वो मैं समंदर के किनारे तक मैं उस नाले के तामीर करूँ। आपके पास अपने इलाकों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने होटल के लिए फंड तो है सरकारी, आप इन गरीबों के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जब आप के पास इख्तियार और पैसा नहीं है आप रिज़ाइन दे दो, आप कुर्सी खाली कर दो, आप क्यों अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। और उसके अलावा जो हमारे इलाके के उन लोगों के साथ जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये जितने भी लोग हैं वो भी अगर अपने हकूक़ के लिए मांगने में या लेने में नाकाम है तो वो भी रिज़ाइन दे दे, क्योंकि ये एक 100% इंसानी मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। हम इसके पुरजोर मजम्मत करते हैं कि अभी तक इन लोगों ने कोई हकीकी कार्रवाई नहीं की, कोई मशीन एक लाना या 2-4 बंदों को लाना या और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने मदद आप आ जाते हैं और कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। हम इन लोगों के मशकूर हैं, नेवे के कुछ दोस्त हमारे या दूसरे कुछ गुतखुर 2-3 दिन से मसरूफ़ है, लेकिन मतलब ये एक मुश्किल अमल है। जब तक इसका प्रॉपर हल नहीं निकाला जाएगा मेरे ख्याल में ये मसले का हल नहीं होगा। जज़ाकअल्लाह।